हेलो, हाय प्रणांग, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बोलो। अच्छा आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। क्या हाँ, क्या हुआ? होगा? क्या नाराज लग रहे हो? क्या हुआ? गुस्से में हो? नहीं तो कुछ फिर नहीं बोलो। क्या हुआ? आई लव यू। और रिप्लाई नहीं करना है? बोलो क्यों फोन किया? क्यों फोन किया? मतलब बात करनी है आपसे। और ये ऐसा गुस्सा क्यों? क्या हुआ? सुबह से कॉल नहीं करा, कुछ नहीं कुछ नहीं, ना गुड मॉर्निंग, ना गुड इवनिंग, ना गुड आफ्टरनून, क्या है? वो मैं बिजी थी, इतना क्या बिजी क्या हुआ है? कुछ नहीं, बताओ ना कुछ भी नहीं हुआ। बोलो तुम। यार, कल इतना अच्छा मूड था, आज क्या हो गया? हाँ, जैसे तुम्हें पता ही क्या बताओ ना। नहीं, तुम्हें जैसे पता ही नहीं ऐसे बन रहे हो। हाँ तो पता नहीं है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ क्या हुआ है। सुना मैंने हर चीज कौन सी? जो भेजी थी परसों। हाँ तो उस वजह से गुस्सा हूँ इतना। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब बोलने की? मतलब मैं नींद में रहूंगी तो तुम कुछ भी बोलते रहोगे? तुम मतलब सुला रहे हो कि क्या कर रहे हो? हाँ तो सॉरी। हाँ क्या सॉरी? मतलब तुम्हें इतना सा भी नहीं लगा कि तुम बोल क्या रहे हो? तो आप इतना क्यों भड़क रहे हो? आई एम सॉरी ना प्लीज। हाँ नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी, तुम फोन रख सकते हो। मेरे को बात करनी है, जाना प्लीज। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी यार। मेरे को नहीं तुम पता था ऐसा आप। कैसे कर सकते हो यार? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा बोलोगे मेरे को। यार तुम तो इस तरह रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैं इतना बड़ा घटिया इंसान हूं जैसे, है ना? हाँ वो सब मुझे नहीं पता, लग तो ऐसा ही रही है, बट ऐसे मुझे लग कोई रहा है। बात नहीं करनी प्लीज। जहां मेरी बात तो सुनो, आई नो कि मैंने गलत किया, मैंने जो कुछ किया गलत किया बहुत। मैं इज्जत चली गई ना मेरी पूरी तुम्हारी नजर में, जो कि मैं कभी नहीं चाहता था। हमेशा चाहता था कि मैं जिससे प्यार करूं उसकी नजरों में मेरी इज्जत रहे, रिस्पेक्ट रहे। हमेशा खुद आपको रिस्पेक्ट देता था, आप कह के हमेशा देता हूं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि आप भी अच्छे से बात करो। मैंने कुछ ऐसा ज्यादा तो गलत परसों नहीं बहुत किया था। अच्छे से बात कर ली तुमने, है ना? बहुत अच्छे से बात कर ली। मैंने पूछा भी था जाना उसमें। आई नो कि कोई आपने आंसर ऐसा। मिला? आई नो, आई एम सॉरी यार। पता है तुम मुझे कैसा फील करवा रही हो? इतना इतना कुछ नहीं था ना, प्लीज। आई नो कि मैंने गलत किया, मैंने बहुत गलत किया आपके लिए। उसमें कितनी बार मैंने सॉरी भी बोला, होने के बाद कितना सॉरी बोला आपको? हाँ 4 से 5 बार सॉरी बोला। बुरा लगे तो सॉरी कुछ, प्लीज। पर गुस्सा मत करना। मैंने ये नहीं सोचा था जाना कि आप इतना ज्यादा, लाइक अभी तो मेरे को ऐसा और फील हो रहा तुम्हारी है। इतनी भी हिम्मत हो गई कि तुमने वो रिकॉर्डिंग मुझे भेज भी दी? तो मैंने आपको इसीलिए भेजी था कि मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता था। मतलब थोड़ा सा भी तुम्हें लगा नहीं कि तुम रिकॉर्डिंग भी भेज रहे हो सब यार बोल के? मेरे को ना रेपिस्ट वाली फीलिंग आ रही। आई नो मैंने ऐसा कुछ कभी किया नहीं, घटिया घटिया, इतनी घटिया सोच नहीं है, इतना घटिया नहीं हो, ठीक है? बट ऐसा लग बट रहा है, लाइक क्या ऐसा लग रहा है लाइक रेप कर क्या है वो। मतलब ऐसी सोच रहे हो तुम मेरे बारे में? इतना इतना भी बुरा नहीं होना जाना। आज समझ गया, हक नहीं है मेरा तुम पे, है ना? थोड़ा सा भी नहीं, कुछ भी नहीं है। आपको नहीं करनी है बात, मत करो। बट ऐसा मत कहो कि मैं इतना बड़ा, शब्द तो अलग है लेकिन मतलब आपका वही है ना जाना। प्यार करता हूँ आपसे।
और अगर इतना भी हक नहीं है मेरा, हर बार आपको टच करने से पहले अगर पूछना पड़े तो क्या ही प्यार यार। आई रिस्पेक्ट यू, बट कभी कभी मेरा भी मन करता है ना आपको छूने का या फिर आपको टच करने का। अगर मैंने कर दिया, इवन एक किस कर दी बिना पूछे, तो आप इतना ज्यादा भड़क रहे हो। आई नो आज आज समझ गया है कि मेरा हक नहीं है। आई एम रियली सॉरी, प्रॉमिस आज के बाद अगर टच कर लिया, आज के बाद अगर ऐसा कुछ बोल दिया तो माफ कर देना। बाद में बात करते हैं भाई, टाटा। हेलो, सुनो तो सही। सुना क्या सुनो जाना, क्या बचा है, मेरी बात, रोना बंद करो। मैं रो नहीं रहा हूं। हाँ तो फिर मेरे को नहीं समझ रहा है मेरे को क्या फील हो रहा है। मेरे को इतना ज्यादा घटिया फील हो रहा है ना, मतलब खुद से शर्म आ रही है। क्यों? मैंने नहीं सोचा था यार आप ऐसा रिएक्ट करोगे। इतना ज्यादा प्यार किया आपको, इतना ज्यादा रिस्पेक्ट, इतना कुछ करके भी अगर आप पे मेरा इतना भी हक नहीं है तो क्या फायदा है ऐसा। इससे अच्छा तो हम दूर ही सही है ना। नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा पूरा हक है मेरे ऊपर, नहीं है, अगर है। होता तो आप ऐसा नहीं करते। मैंने नहीं सोचा था, मैं कल आपका मूड देख के मेरे को लगा कि चलो हंस देते हैं, हंसा देते हैं इसे, फालतू में ये अभी तक सुना नहीं है, सुनने के बाद गुस्सा करेगी या क्या करेगी। मेरे को क्या लगा था पता है, क्या एक्सपेक्टेड था पता है, कि आपको अच्छा लगा होगा मेरी बातें सुन के, आप फिर से सोए होंगे। तो सही में मुझे अच्छा लगा है। मुझे नहीं भरोसा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बट आई गॉट, मेरे को समझ गया है कि मैं कितना घटिया इंसान हूँ। ठीक है, नहीं हो तुम, क्यों क्यों ऐसा बोल रहे हो? आई एम सॉरी जाना, बट हम बाद में बात करें तो बेहतर रहेगा। नहीं जा, प्लीज सुनो तो सही। प्लीज क्या सुनूं, क्या बच्चा है जाना। आई एम सॉरी गुस्सा करने के लिए। प्लीज तुम बिल्कुल भी घटिया इंसान नहीं हो, और प्लीज सॉरी मैंने ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। तुम बहुत बहुत ज्यादा अच्छे, इतने केयरिंग नहीं इंसान हो कि मैं क्या बोलूं। तुम बिल्कुल कोई भी गलत मत लो प्लीज। कोई फायदा नहीं है जाना। पहले मैं बस आपने यही इतना, देख, आपने इतना कुछ दे, इतना कुछ कह दिया, अब कोई फायदा नहीं है ना अच्छा बोल के भी। आई एम सॉरी मैंने इतना सब कुछ बोल दिया उसके लिए। सॉरी प्लीज। कोई फायदा नहीं है जाना, आई एम सॉरी टू बाय। तुम बहुत अच्छे हो यार, प्लीज। अब मैं कैसे भरोसा करूं यार, अब बस हो गया, प्लीज वो मैंने इसलिए हम बाद में बात इसलिए करते तुम्हें, हैं। प्लीज सुनो तो सही। दो क्या है जना, मिनट बात तो सुन सकते हो। आई नो, मैं आप अभी भी गलत मत लेना ठीक है। मैं गुस्सा नहीं हूं आपसे, मैं खुद से भी गुस्सा हूँ आई ये लव कह यू, सक। आई ट्रस्ट यू कि तुम मेरे साथ कभी भी गलत नहीं कर सकते। मैं सबसे ज्यादा तुम पे भरोसा करती हूँ। मुझे पता है कि ये बंदा कुछ नहीं होने देगा मुझे, और मुझे तुम्हारी एक भी बात का बुरा नहीं लगा। तो ये सब क्या था, ये सब इसलिए था कि तुम कैसे अपोलोजाइज करते हो खुद को, बस इसलिए गुस्सा किया था और कुछ नहीं। वो तो मैंने उसी दिन कर दिया था ना। हाँ मुझे पता है, बट मैं अभी भी देखना चाहती थी कि तुम फोन पर कैसे करते हो गुस्सा करने के लिए। आई एम सॉरी तो अभी भी बट आप मुझे गुस्से में देखना ही था। हो, नहीं जाना, मैं बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हूँ, लग प्लीज। तो वैसे ही रहा है अभी तो नहीं ऐसा। जाना, अभी तो बल्कि ऐसा फील हो रहा है, लाइक तरस खा रही है मेरे पे, होना नहीं जाना, नहीं ऐसा कुछ चाहती ना भी इसलिए नहीं ऐसा है। बोल दिया। नहीं कैसे भरोसा कर लूँ। हाँ बोलो, कैसे भरोसा कर मतलब, लूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें बुरा नहीं लगा है सच्ची, तुम्हें वैसा हाँ कुछ सही फील। में नहीं लगा है। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, फ्यूचर हस्बैंड हो, तुम्हारा पूरा हक बनता है। तुम मुझे किस कर सकते हो, मुझे हक कर सकते हो। तुम्हें कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, मैंने खुद से अपनाया है तुम्हें। इस बार तो मैं गलत हूं ना, बिल्कुल भी गलत नहीं हो। तो ये सब क्या बॉयफ्रेंड ऐसा था, नहीं करेगा तो क्या करेगा फिर तो ये बताओ? क्या था जाने, ये गुस्सा क्या था फिर, ये बता दो बस। वो भी गुस्सा, इतना ज्यादा सीरियस, अभी भी आप इतना जोर से बात कर रहे हो, लेकिन कानों में चुभ रहा है इतना, इतना मतलब ऐसा बोल रहे हो आप, इस तरह से बात कर रहे हो तो मैं क्या समझूं। तुम बार बार फोन रखने की बात कर रहे हो। प्लीज सॉरी, मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक अभी दिलासा देने के लिए तो कोई भी बोल सकता है ना। सच्ची अगर आपको मेरे से प्यार होता ना तो
शायद आप मेरी फीलिंग समझते थे। इतना ज्यादा रोमांटिक होने का ट्राई किया था पहली बार आपके साथ, इतना प्यार से आपसे बात करने का ट्राई किया, सोचा इसको अच्छा लगेगा कि तो यार ये मुझे क्या सही रिजल्ट। में अच्छा लगा है, सही समझता तो में तारीफ अच्छा करनी लगा। थी, तो गुस्सा तो नहीं, ठीक है, मजाक कर रहे थे क्या अब तक? अच्छा लगा है हाँ अभी। हाँ हाँ मैं हाँ मजाक मतलब क्या होता है, ऐसा मजाक होता है? अभी तो ये भी कह दो कि प्रैंक था, वाह है ना। मजाक कम मजाक की तरह लो, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है हा, हंसी आ रही है मेरे को, मजाक था ना। खुद पे हंसी आ रही है। खुश नाटक बंद करो, कोई बाद में बात करते हैं। जरूरत नहीं, हम अभी बात करेंगे। आई एम सॉरी ना, तुम्हें सॉरी क्यों बोल रहे हो, बस करो ठीक है। मुझे गुस्सा तुम्हारी क्यों बात से बुरा नहीं लगा है, मुझे लगा बस है तुम्हें, पता मुझे आपकी बात से है बुरा। मेरे को। तुम मेरी बात चुप सुनोगे? रहो, बोलो। तुम चुप रहो, मुझे नहीं सुना। बस आई लव यू, आई ट्रस्ट यू, और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बस। आई लव यू टू। और ये सब मैं तुम्हारे पर तरस या दया के लिए नहीं बोल रही, ठीक है? आई रियली रियली लव, I'm sorry. एंड आई मिस यू। I miss you too. I love you too, but I'm really sorry जाना, आगे से कभी नहीं करूंगा, promise. नहीं, मैं चाहती हूँ तुम करो। अच्छा नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, और चाहती हो करो। वाह नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, सीरियसली यार, मुझे ज्यादा बहुत सीरियसली अच्छा लगा। अगर अच्छा लगता ना, तुम मेरा मन में क्या था पता है, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे एक्सपेक्टेशन कभी पूरे नहीं होते, पता तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक्सपेक्ट है करना ही छोड़ ना? दूं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है यार, हाँ तो पर मैं फिर उम्मीद एक्सपेक्ट भी नहीं, करते रहो उम्मीद ना, तो फिर क्यों उम्मीद ही तो ऐसे करता दुखी हो हूँ, जाते हो? तो तो उम्मीद ही तो करता हूँ, कभी पूरी नहीं होती है तो मैं क्या करूँ, इसमें दुखी मेरी क्यों हो गलती जाते है। हो, फिर दोबारा मैंने क्या सोचा ट्राई था, करना। मैंने क्या सोचा था पता है, एक ही चीज बार बार करके क्या मजा आएगा जाना। हाँ या मैंने क्या सोचा था पता है, अगर आपको गुस्सा भी आया तो मैं आपको मना लूंगा, बट इतना आएगा आएगा ये नहीं सोचा था। और दूसरी बात, मेन चीज तो मैंने ये सोची थी कि जाना को इतना प्यारा, इतना फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, इतना ज्यादा रोमांटिक होके, इतने अच्छे से बात करके, इतने अच्छे से समझा बुझा के, इवन माफी भी मांग के, इतना कुछ करने के बाद जाना स्माइल करेगी, बोलेगी कि थोड़ी सी तारीफ ही कर देगी कि आप बहुत अच्छे हो, आप मुझे बहुत अच्छे समझते हो, इतनी ज्यादा केयर करते हो, आई लव यू, बहुत अच्छा प्यार करते हो, और मुझे अच्छा लगा आपने जिस वे में मुझे किस किया। ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी, ओके, और मुझे क्या मिला है? हाँ आई लव यू, मजाक, आई फॉर्मेलिटी लव यू चलो, नहीं मेन मिला। फॉर्मेलिटी ठीक है, चुप रहो। ठीक है, फॉर्मल चीज, ओके। हाँ हम बाद में बात करें, टी ठीक है, टाटा। बाय। हेलो। जाना, हाँ आई लव यू। आई लव यू टू। तुम ना बहुत अच्छे हो, हाँ तो बहुत सुलझे हुए हो, बहुत समझदार हो, और मुझे बार बार समझाते भी हो, हाँ मुझसे इतना तो ज्यादा प्यार करते हो, इतनी केयर करते हो जितनी मैं खुद की नहीं करती, तुम्हारी भी नहीं करती, बोलना। मैं क्या हुआ है अचानक से, अभी तो गुस्सा था। बट सीरियसली, अगर तुम किसी की लाइफ में आओगे ना, तो उस लड़की की लाइफ सेट है। मैं तो मैं ऑलरेडी तुम्हें तुम्हारी स्टैम्प लाइफ पेपर में पे हूँ, लिख, अरे मतलब मैं नहीं पल्ले पड़ी तो कोई और पड़ जाएगी। तो वैसे तो मैं ही आ रही हूँ, टेंशन मत लो, इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं।
मतलब छोड़ना बट ही है, मैं कभी ना बता कभी। रही हूँ सड़ा नहीं, अभी तो बोले और इतनी जल्दी नहीं, मतलब बाद में छोड़ोगे। नहीं मतलब भगवान ना करे कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो अलग बात होती है ना, अभी तो समझ जाओ ना प्लीज। अभी तक के समझते आया हूँ, समझाते ही आया हूँ हर बार। तो मैं वही तो कह रही हूँ ना, तुम बहुत उलझे हुए रहते हो, हाँ तो हर बात मानते हो मेरी। क्या? क्या और बोलूँ मुझसे ज्यादा। बहुत ज्यादा प्यार करते हो, ठीक है, और अच्छा ये सब छोड़ो ना, क्या कहते सुनो हो? ना, क्यों? मेरे को नहीं करानी है मेरी तारीफ तुमसे, ठीक है? बट मुझे करनी है, I'm sorry, जो और कुछ हुआ मुझे उसके लिए। बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा उस चीज का जैसे तुमने मुझे किस किया। मतलब तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बुरा नहीं लगा तो अच्छा कहाँ लगा यार। हाँ बहुत अच्छा लगा है मुझे जैसे तुमने किस की, जैसी तुम्हारी फीलिंग्स थी, और हाँ तुमने बार बार सॉरी भी बोला, अपोलोजाइज हाँ तो भी किया कि नहीं शायद मैं गलत हूँ, तो उससे अच्छी बात और कौन सी हो सकती थी? तुम ऐसा तो नहीं करते ना मेरे साथ। हाँ ओके आई एम सॉरी, मैंने कर दिया, बट मेरी कोई वो फीलिंग नहीं थी कि तुम्हारे साथ मैं ऐसा कुछ करूं। तो आई एम करा क्यों, सॉरी, फीलिंग नहीं थी तो करा क्यों, यू और आर द अभी भी आप बेस्ट गुस्सा हो रहे हो। जाना, यू आर नहीं द हूं मैं, बेस्ट, नहीं हूं मैं, ठीक है? नहीं हूं, चुप तुम रहो चुप तुम। रहो, तुम चुप रहो, बकवास की जा रहे हो, बस सुन रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि बस बोलते जाओगे। तुम कंट्रोल कर रहे हो क्या मेरे को? नहीं ऐसा ऐसा नहीं कुछ ऐसा है नहीं। तुम भाग जाओ, ऐसे निकलो। हाँ? हाँ मैं कोई कंट्रोल नहीं कर रही मैं तुम्हें, कर बस रहा हूँ मैं तुमको बता रही कंट्रोल। हूँ। कभी हर बार जब नहीं देखो तो तुम गुस्सा कर रहे हो, अभी भी इतना प्यार से मैं सॉरी बोल रहा हूँ, इतने अच्छे से मैं बात कर रहा हूँ मत बोलो ना, तुम नहीं बोल सकते सॉरी, तो मैं कह रही हूँ ना, मैं यार। हमारा ना उल्टा है, अक्सर ना लड़के गुस्से में होता है, अक्सर लड़के हमेशा गुस्सा करता है रिलेशनशिप में, जो भी होता है बॉयफ्रेंड, ऐसा होता है कि मतलब। और यहाँ पे तुमको देख लो भाई, तुम मेरी जगह खड़े हो, मेरे को करना चाहिए जो चीज तुम कर रहे हो। क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, घर पे चढ़ा रहा हूँ क्या जान। तुमको? हाँ हाँ क्या? सर पे चढ़ा रहा हूँ क्या? नहीं, नहीं। ओके आई एम सॉरी यार, बुरा लगा हो तो। वो भी इतनी फॉर्मेलिटीज है, वाह। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा भी फील नहीं है तुम्हारे अंदर, ठीक है ना? कितने अच्छे से जाना मैंने, कितना कुछ किया मतलब है। मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती है ना, तुम ऐसे समझते हो। ठीक है यार मैं रख रही हूँ फोन, रहने दो। तो रख ही अरे दिया था तो मेरे क्यों को किया है, तो 1 मिनट भी फोन कट होने में हुआ नहीं था, क्यों किया? लगा थोड़ी अच्छी बात करूंगी, ठीक हो जाएगा आगे वाले बंदे का, बट नहीं, सॉरी सॉरी बोले जाना बस। मेरे आई लव यू से प्रॉब्लम है, मेरी किस से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और रखो सॉरी तुम, से मेरे को प्रॉब्लम बात है। ही नहीं करनी है, ठीक है, बाय। सॉरी मैंने फोन कर दिया, नहीं करूंगी मैं फोन, ठीक है, कट करके दिखाओ। दिखा रही हूँ मैं, कट करके देख लेना, हाँ दिखाओ। बाय। कट नहीं हुआ है अभी तक। तुमने बाय नहीं बोला था, बाय अच्छा ठीक है, टाटा। बोलो ना, बाय जैसे मैं बोल रही हूँ। इतना याद रखना कि बहुत ज्यादा प्यार है तुमसे, ठीक है? कभी तो कुछ फिर गुस्सा नहीं नौटंकी ना करता बंद हूँ, क्या करो, ठीक है, जब कभी कुछ ये बोल नहीं रही ना करता हूँ। सॉरी मत बोलो तो नहीं बोलना चाहिए। मेरी बात सुनोगे? नहीं सुनी मुझे कोई तुम्हारी बाय बात। क्यों नहीं बोला पता है? मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा तुमको कभी, ठीक है? बढ़िया ही। आई लव यू नाउ। I love you too. हम आप बहुत प्यार करते हैं, मैं भी।
ना सच्ची आपको अच्छा नहीं लगा था? मुझे बहुत अच्छा लगा जाना, ऐसा कुछ भी नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? आई एम सॉरी, मेरा वो इंटेंशन नहीं था, मुझे लगा तुम ऐसा तुम क्यों, क्या? मैंने शायद ज्यादा कर दिया, ज्यादा रिएक्ट कर दिया उस चीज के लिए, तो सॉरी। आपको आपको पता है ना मैं कैसा हूँ? हाँ बताओ तो पता है कैसा हूँ? इनोसेंट, जल्दी तुम्हें लग जाती है बात कोई भी, ये कब हुआ? ये तो नहीं पता था मैं ये ये अभी थोड़ी हुआ ना ना जाना। मेरे ये को अभी हुआ ना, तुम्हारी कोई बात लगी नहीं है। पहली बात तो दिल पे रखती तुम्हारे बात, ठीक है, हमेशा मैं खुद की बात छोटी छोटी क्यों? बात पे गुस्सा हो जाते हो बस ये ऐसे। तुम खुद की बात है, मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने ऐसा मेरी कब नहीं, मैं किया है तुम्हारी बात बता रही हूँ। जाना? ऐसा कब हुआ है अभी बस जाना? ऐसा थोड़ी कब देर हुआ पहले जाना? जाना, बस थोड़ी देर पहले ही तुमने किया है, ठीक है। मैं गुस्सा नहीं हुआ आपसे। पहली बात, मेरे को गिल्ट था। अगर आप उस चीज को मेरा गुस्सा समझे हो तो उसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है? मैं अभी भी आपसे गुस्सा नहीं हूँ। मैं अभी भी आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ। तब भी आपसे प्यार से बात कर रहा था, तब भी आपको प्यार से समझा रहा था, सॉरी बोल रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं गलत हूँ। और गिल्ट था, गुस्सा या ये नहीं था यार, कोई जरूरत नाराजगी, नहीं है, ठीक गुस्सा है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था जिस तरह आप अभी सोच रहे हो। आप अभी भी मुझे नहीं समझे हो, बल्कि बिल्कुल भी नहीं समझे हो, है ना? नहीं, मैंने जानते ही नहीं बहुत हो मेरे अच्छे को। समझा। हाँ, हाँ अब ज्यादा हो रहा है जा रहा, ठीक है, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या कहूँ यार मैं आपको, क्या कहूँ? मतलब कुछ रहने दो, ठीक है। हाँ, मेरी गलती थी, आई एम सॉरी, तुम्हें नहीं लग रहा तो मैं फोन रखती हूँ, ठीक है। तुम्हें दिल है क्या? सब में ही हाँ होता है, मैं जो हमारा पंप करता है उस दिल की बात नहीं कर रहा हूँ, फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? दिल एक ही होता है, लेकिन तुम शब्दों पे मत जाया करो, भावनाओं पे जाया करो, ठीक है? फीलिंग्स है तुम्हें? बहुत फीलिंग्स है तुम में? है। काहे किया मेरे को तो नहीं लगता। इतने प्यार से जो कुछ किया तुम्हारे लिए, इतना कुछ करने के बाद भी तुम ऐसे सोच रहे हो मेरे बारे में? अभी भी स्टिल यू आर एंग्री, गुस्सा गुस्सा गुस्सा। तुम बार बार वही वही चीज अभी लेके बैठोगे भी तो फिर क्या अभी होगा? भी अभी भी अभी भी नहीं, मैं शांति हूँ। जाना, अक्सर ना रिलेशनशिप्स में लड़के गुस्सैल होते हैं, समझदार भी होते हैं, सुलझे हुए भी होते हैं, हर एक चीज होती है। यहाँ पे ना मेरे को लगता है कि साला उल्टा हो रहा है। लड़कियां हमेशा गुस्सा जब लड़का करता है तो संभालती है, साला यहाँ पे मेरे को करना पड़ रहा है। बुरा मेरे को लगा, सब मेरे को हुआ, गिल्ट मेरे को फील हुआ, तुमको मेरे को मनाना चाहिए, पर उल्टा मैं तुमको मना रहा हूँ। मतलब अच्छा, तो मैंने मनाया नहीं तुम्हें, तो चल गुस्सा यार, चिल्लाओ तो मत। प्यार ठीक है, मैं से बाद में बात फोन करती हूँ, ठीक है। प्यार से नहीं नहीं, कर मैं बाद में सकते? फोन करती हूँ, ओके। आई एम सॉरी, कुछ नहीं समझाना मेरे को, कुछ नहीं बोलना मेरे को, बस आई लव यू। पता है मेरा कितना रोमांटिक मूड था स्टार्टिंग में कॉल के? कितने प्यार से मैं शू बोला मैंने, सोच रहा था आज फिर से किस करूंगा। आई नो आमने सामने हमारी फर्स्ट किस नहीं थी वो, इवन उसको फर्स्ट किस बोल भी नहीं सकते, बट इमेजिन तो पहली बार कराया था कुछ ऐसा, है ना? तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था, परसों से मैं वही सोच रहा हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारे बारे में वो सब सोचना। काम के टाइम में नहीं, जब फ्री होता हूँ, जब अकेला बैठा होता हूँ तब। और मैं इतना ज्यादा खुश था वो चीज को लेके, इतना अच्छा लग रहा था मेरे को। मतलब मैं बस यही सोच रहा था बार बार कि काश तुम जब सोए नहीं हो
तब मैं ये सब करूं। तुमको पता है मेरे को वो बहुत पसंद आया, मतलब अच्छा लगा, बट क्या कहूँ यार, समझ नहीं आ रहा है जाना, सॉरी। हेलो, क्या हुआ? अच्छा आप ना बहुत अच्छे हो, ठीक है, आप खुद को ये मत करो प्लीज, मुझे पता है तुम कैसे हो। एक बार जो चीज लग जाती है, मेरे को जो तुमने बोला ना कि तुमको कोई भी चीज जल्दी लग जाती है, तुम गुस्सा करते हो, ये करते हो, ये तुम खुद के बारे में मुझे बता रहे थे कि मैं ऐसा हूं। तुमको नहीं लगता तुमने उल्टा बोला सब कुछ? हाँ या नहीं? नहीं, बिल्कुल अभी भी नहीं मानना है? नहीं। तुम करते हो वैसा? अच्छा, समझा दे तुम हो मुझे, है ना? नहीं, वो सब तो तुम्हारा ही काम है, बट जो लास्ट वाली लाइन थी ना, वो भी तुम्हारी ही थी, मेरी नहीं थी। सब तुम्हारे लिए बोला यार मैंने। पहली बार तुमने कहा था आज, समझदार और सुलझा हुआ। तो तुम हो यार, सही में हो, इतने प्यार से समझाते हो मुझे। गलती होती है तो एक्सेप्ट भी कर लेते हो फटाक से। अच्छा तो बस आई लव यू, तुम्हारे बहुत पास ज्यादा शब्दों वाला। की बहुत कमी है। अच्छा, वो आपसे ट्रेनिंग लेना बचा है ना, तो फिर देखते हैं किसके पास कमी होती है। ओके, जाना, आई लव यू टू, आई लव यू, आई लव यू टू, आई लव यू जाना, आई लव यू टू जाना, आई लव यू चाहती। आई लव यू टू मोहित जी। बस स्माइल क्यों की? बताओ, ऐसे बस ऐसे ही, और जी लगाया इसीलिए? तो क्या। आप मुझे मोहित जी बोलते हो तो मैं चाह जी नहीं बोल सकता? नहीं, बोलो, अच्छा लगता है। ओहो ओहो, चलो मुझे हग करो। मैं थोड़ी देर से लगाती हूँ, ठीक है? मम्मी हग तो है ही नहीं बुला मेरा, रही है। भूल अब गया देखो, था। ज्यादा वापस शुरू किया ना तो मैं मार दूंगी, अब सच में बता रही हूँ। मैं स्माइल कर रहा मैं हूँ, दोबारा फोन नहीं करूंगी मैं। मैं स्माइल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अभी रखती हूँ, ठीक है? थोड़ी देर से लगाती आई लव यू, हूँ। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। बस या हाँ, अड़ोस पड़ोस में भी सुना तो ना। नहीं, बस ठीक है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मुझसे प्यार करते रहो, गुस्सा नहीं करना, हाँ जी, कमी जरूर नहीं। दरवाजे खुले और बोलता है। ठीक है, अब मैं रखती हूँ, ठीक है? टाटा। नहीं टाटा, बाय बोलो ना, नहीं अब टाटा ही। बाय बोलो ना, आज तो 2-3 बार बोल ही दिया है, बोल दो। गुड नहीं, जाना बस, ठीक है? टाटा बाय भी बोल दोगे ऐसे तो? कभी भड़क टाटा। जाती है जल्दी। और सुनो, ऐसा कभी मत सोचना कि कंट्रोल करने लग गया मेरे को, ठीक है? समझता हूँ, हाँ, इसका कुछ मतलब नहीं, ये नहीं है कि थप्पड़ पड़ेगी नहीं तो मुंह पे, ठीक है? ठीक। जब जरूरत होती तभी स्ट्रिक्ट रहता हूँ, बिन काम के नहीं रहता हूँ मैं, यू नो वेरी वेल, समझी? हाँ जी, स्ट्रिक्ट ओके, बिहेव करते आता है मेरे को, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, समझी कि नहीं समझी? समझ गई समझ जरूरत के टाइम ही करना चाहिए ये सब, कभी भी करोगे ओके। तो रिश्ते में दरार पड़ती है। आई लव यू, ओहो, ओहो, आई लव यू टू। आई लव यू टू, टोनिंग में आया है। अब रख दूँ मैं, जाना, मेरे होठ सूख रहा है। लगा दी, मम्मा बुला रही, ठीक है? टाटा। टाटा। हाँ, तो देख ली वीडियो।
अच्छी ही लगी होगी, तो लाइक का, कमेंट का, शेयर का बोलना पड़ेगा। कल समझाया था ना, कर दो। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, एक और नया बटन ऐड किया है मैंने, पता है आप लोग को? उस बटन का नाम है अप्लॉज या फिर अपलॉड, आपको जो बोलना है बोल सकते हो। तो आपको नीचे दिख रहा होगा, वहाँ पे अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी ही लगती है, मुझे सपोर्ट ही करना चाहते हो, तो अप्लॉज कर सकते हो। अप्लॉज मतलब होता है ना तालियां बजाना, अच्छा लगता है कुछ तो कर सकते हो, है ना? और हाँ, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि गाइज़ यार, बहुत सारे लोग हैं जो मेरी जो पीरियड्स वाली वीडियो जो मैंने डाली थी, जो बहुत ज़्यादा अच्छी चली गई, 2 लाख समथिंग व्यूज़ है उसको, पहली पीरियड्स वाली वीडियो, तो उसमें मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ आज कल, बहुत ज़्यादा लोग जो मैं दिखाना चाहता था, जो मैं दर्शाना चाहता था, वो समझे ही नहीं है। ठीक है, कितने सारे लोग हैं, आप लोग जो पुराने व्यूवर्स हो या फिर जो न्यू ज्वाइन हुए हैं, तो मैं उन लोग को सबको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरा मकसद उसमें ये नहीं था कि लड़की को सिर पर बिठा रहा हूँ, इवन ये वीडियो से या जो कोई वीडियो मेरी, और या तो किसी को मतलब मैं केयरिंग सिखाना या केयर कर रहा हूँ, ओवर ज़्यादा केयर कर रहा हूँ, तो मेरा उस वीडियो का मकसद बस इतना था लड़कियों के लिए। 50% हमारी लड़कियों की ऑडियंस है, 49.92%, ठीक है? तो उनके लिए मेरे को बस ये बताना था कि डाइट प्लान, ठीक है, लड़कियों ने क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, केयरिंग बस एक छोटा सा हिस्सा था उसमें का, एक शर्म हिस्सा था उसमें का, और साथ ही साथ लज्जा हटाना, शर्म हटाना, और दूसरी बात ऐसी ये नेचुरल है ये बताना और केयर दर्शाना, साथ ही साथ दूसरी वो क्या होता है ना कि डाइट प्लान, लड़कियों ने क्या खाना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। सेकेंड पार्ट का उसका ये मतलब था कि कैसे रहना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना चाहिए मूड स्विंग्स एंड ऑल, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको गलत लिया। आई नो ये बताना ज़रूरी नहीं था, बट मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? मतलब बहुत निगेटिव वे में लिया है लोगों ने, और पता नहीं यार, छोड़ो, एनी वे आई डोंट केयर, बट बताना ज़रूरी है, ठीक है? कि भावनाओं पे जाओ, शब्दों पे नहीं। अक्सर हमें जो दिखता है उसका मतलब वही नहीं होता है, जो दिखता है ज़रूरी नहीं वो वही चीज़ होती है, ठीक है? जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है, ये बात सुनी होगी सबने, ठीक है? तो होप सो आप लोग समझ रहे हो। और दूसरी बात ऐसी कि हाँ, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये वीडियो ऐसी बनेगी या ऐसा कुछ होगा, और इसके भी ज़रिए बहुत सारे मैंने इसमें भी मैसेजेस दिए हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हुई है इसमें जो रिलेशनशिप में आए दिन होते रहती है, और साथ ही साथ इसमें बहुत कुछ था यार। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, थोड़ा सा भाषण सुन लो, ठीक है? तो मेरे को बस इतना कहना है गाइस कि आप लोग मतलब जैसा दिखता है ना वैसा नहीं होता है रियलिटी में, पता है क्या? और ये सारी वीडियोस से ना कुछ आप लोग को बताते रहता हूँ, समझने की बात होती है यार। कई सारी वीडियोस एंटरटेनमेंट के लिए भी होती है, लेकिन कई सारी वीडियोस में कुछ बताता हूँ, ठीक है, जो कि समझने की बात होती है, बताने की नहीं। इसीलिए मैं अभी भी क्लियरिटी नहीं दे रहा हूँ आप लोग को, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपको क्या समझना है, क्या सोचना है मेरे बारे में या जो कुछ हो। लव यू ऑल, वीडियो अच्छी लगी है तो अप्लॉज दे सकते हो, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो वो तो है ही, है ना? और अप्लॉज का मतलब ये नहीं है कि आप लोग मुझे पैसे भेज रहे हो या कुछ और, या मैं कुछ मांग रहा हूँ, नहीं, मैं बस अच्छा लग रहा है, अगर पसंद है तो करना, मैं कुछ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। इसका भी आप लोग में से कुछ लोग होंगे जो गलत मतलब लेंगे, नहीं भाई मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को भी सपोर्ट चाहिए होता है ना? तो गलत मतलब प्लीज़ मत लेना, ठीक है? होप सो आप मेरी बातें समझ रहे हो। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, लव यू ऑल।